नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हिमाचल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो आज हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल निर्माता डॉक्टर Y.S परमार के बारे में। तो डॉक्टर Y.S परमार मीन्स यशवंत सिंह परमार का जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के बागथन गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम भंडारी शिवनंद सिंह था जो सिरमौर के 2 राजाओं के सचिव थे। Y.S परमार डॉक्टर साहब ने जो अपनी 10th की थी वो राज्य के हाई स्कूल नाहन से की थी। उसके बाद उनकी बीए की पढ़ाई 1926 में कंप्लीट हुई क्रिश्चियन कॉलेज फॉर मैन लाहौर से। उन्होंने अपनी एमए और एलएलबी कैनिन कॉलेज लखनऊ से पास की 1928 में। ठीक है, 1929-30 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी देहरादून को ज्वाइन किया, उसके सदस्य बने। 1930 में वो राज्य में सब जज नियुक्त किए गए। 1927 तक उन्होंने अपनी सेवाएं सब जज के रूप में दी। 1937 में वो ए क्लास मैजिस्ट्रेट बने और सेशन जज की रूप में नियुक्त किए गए। 1941 में उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जो सिरमौर के राजा थे राजा राजेंद्र प्रकाश, उन्होंने कोई केस चलाया था प्रजामंडल के आंदोलनकारियों के विरुद्ध, जो एक झूठा केस था। डॉक्टर साहब ने इस केस में राजा के विरुद्ध जजमेंट दी। राजा ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, उनको रियासत से निकाल दिया। उसके बाद डॉक्टर Y.S परमार जी कहाँ चले गए? लाहौर चले गए। ठीक है, लाहौर में वो ठेकेदारी का काम करने लगे। तो उन्हीं दिनों क्या हुआ कि जो पंजौता आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वो डॉक्टर साहब से लाहौर में आके मिले और सहायता, उनको अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने के लिए बोला। उसके बाद डॉक्टर Y.S परमार दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने सिरमौर सभा का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने वो वहाँ पे 1943 से लेके 1946 तक, और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रजामंडल के आंदोलनकारी थे उनकी सहायता करते रहे। 1944 में डॉक्टर साहब ने पीएचडी की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की और कुछ समय बाद हिमाचल विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री दी। 1946 में क्या हुआ, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन हुआ। 1946 में क्या हुआ कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन हुआ। ठीक है, तो इनके जो कार्यकर्ता थे, जो आंदोलनकारी थे, बैद सूरत सिंह, वो दिल्ली में डॉक्टर साहब से मिले और वो डॉक्टर साहब को 1947 में शिमला ले आए। शिमला में Y.S परमार जी ने क्या किया कि जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी उसको ज्वाइन किया और वह उसके प्रधान नियुक्त किए गए। उसी समय वह कहाँ गए थे, कांग्रेस के अधिवेशन, ग्वालियर अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब शिमला में जब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक हुई, 16 सदस्यों में से 11 प्रेजेंट थे, जिनमें से क्या हुआ मतभेद पैदा हो गए और 6 सदस्यों ने मिलकर एक नई काउंसिल का गठन किया जिसका नाम था हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, और जिसके अध्यक्ष प्रधान किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर Y.S परमार जी को। 1952 में डॉक्टर Y.S परमार फर्स्ट टाइम CM बने और 1957 में वो सांसद चुने गए। 1961 में डॉक्टर Y.S परमार सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता यानी कि प्रवक्ता बने। हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। ठीक है, तो जब हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल को क्या बनाया गया, हिमाचल को
मुख्य आयुक्त के अधीन रखा गया, मुख्य आयुक्त के अधीन क्षेत्र बनाया गया, मतलब चीफ कमिश्नर के अधीन क्षेत्र बनाया गया इसके। तो पहले चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो पहले मुख्य आयुक्त थे कौन, एनसी मेहता, आईसीएस थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, ठीक है। और जो डिप्टी चीफ कमिश्नर थे वो थे ई पेंडर मूल, ठीक है। और 1948 से लेकर 1951 तक जो हिमाचल है वो चीफ कमिश्नर के अधीन रहा, और जो लास्ट चीफ कमिश्नर हुए हिमाचल प्रदेश के वो थे भगवंत सहाय। अब देखिए, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ, तो हिमाचल के गठन से पहले जो सम्मेलन हुआ था सोलन सम्मेलन, उसी के आधार पे हिमाचल का गठन हुआ। तो हिमाचल का गठन हुआ तो कितनी रियासतों ने, 30 रियासतों को जोड़ के हिमाचल का गठन हुआ। जो मैं बोलूँगा उसको उसे नोट करते रहिए, ठीक है, थोड़ा आज रिसोर्सेज की कमी हो गई है। तो 30 रियासतों को जोड़कर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जिन उन 30 रियासतों में 26 रियासतें किसकी थी, पहाड़ी रियासतें थी, 4 पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी, ठीक है। 4 जिले बने, महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर। महासू रियास जो महासू जिला था वो 26 पहाड़ी रियासतों को जोड़ के बनाया गया, मंडी जिला सुकेत और मंडी को जोड़ के बनाया गया, चंबा और सिरमौर रियासतों को जिला घोषित किया गया। अब उसके बाद क्या था कि 1951 में, 1948 से लेकर 51 तक क्या रहा, चीफ आयुक्त के अधीन क्षेत्र रहा। अब एक और बात, जब चीफ आयुक्त नियुक्त हुए, मींस चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए, तो क्या हुआ कि एक परिषद का गठन हुआ, एक कमेटी का गठन हुआ, 6 सदस्य कमेटी का, जो सलाहकार कमेटी थी किसकी, चीफ कमिश्नर की, पर यह एक नाम मात्र की कमेटी थी। इसमें 6 सदस्य जो थे, एक थे लीलावती, दूसरे थे Y.S परमार जी, एक थे एक लीलावती, Y.S परमार जी, स्वामी पूर्णानंद, अवतार चंद मेहता, श्री पदम देव और लाला शिवचरण, ये 6 सदस्य थे, पर ये नाम मात्र के सदस्य थे। साथ ही साथ 3 और सदस्य चुने गए थे, एक भगाट के राजा दुर्गाचंद, दूसरे मंडी के राजा जोगेंद्र सेन और तीसरे चंबा के लक्ष्मण सिंह। ये 3 अतिरिक्त थे। पर 1951 में क्या हुआ, इन्होंने अपने यानी कि अपने पद से रिजाइन दे दिया, कमेटी को भंग कर दिया। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी में रखा गया। जब हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी में रखा गया तो क्या हुआ, एक उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई, और उपराज्यपाल की नियुक्ति 1952 में हुई, ठीक है। 1952 में मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले उपराज्यपाल बने, और 1900 जब संविधान के अनुसार जो पहला चुनाव हुआ वो 1952 में होना था, पर क्या हुआ कि हिमाचल में जहां बर्फ गिरती है किन्नौर कल्पा के क्षेत्रों में, वहां चुनाव 51 में ही हो गया 1951 में। तो जो फर्स्ट वोटर थे, जो पहले मतदाता थे, वो थे किन्नौर के रामशरण नेगी, ठीक है, ये पहले वोटर थे क्योंकि उन्होंने 1951 में वोट डाला था सबसे पहले। और जब 1952 में इलेक्शन हुआ तो टोटल 36 सीटों पर, विधानसभा की 36 सीटों पर इलेक्शन हुआ। 1900 ग श्रेणी के अंतर्गत विधानसभा का गठन हुआ था। 32 सीटों में से 24 सीटें कांग्रेस की थी, 8 निर्दलीय थे, 3 सीटें जो थी वो थी KMPP की, और 1 सीट थी वो थी SCF की, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब विधानसभा बनी तो विधानसभा स्पीकर, तो पहले विधानसभा स्पीकर जो थे वो थे जयवंत राम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में मुख्य सचिव का भी, मुख्य सचिव चुने गए, तो पहले मुख्य सचिव KL मेहता थे, ठीक है। और विधानसभा का जो पहला सत्र कहाँ से शुरू हुआ था, जो राष्ट्रपति निवास है वाइस रीगल लॉज, ठीक है, वहाँ पहला सत्र बिठाया गया था, और इसका उद्घाटन किसने किया था, उपराज्यपाल हिम्मत सिंह ने। इसके बाद 1950 में क्या हुआ था कि कुछ क्षेत्र, जो कुछ क्षेत्र पंजाब के
हिमाचल में जोड़े गए थे और कुछ पंजाब को दे दिए गए थे। चलो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ 15 अप्रैल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया गया, हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना बिलासपुर। पहले हिमाचल प्रदेश जब 1948 में बना था तो टोटल क्षेत्रफल 27,018 किलोमीटर स्क्वेयर था, पर बिलासपुर जोड़ने के बाद क्षेत्रफल हो गया 28,186 किलोमीटर स्क्वेयर। पहले जब गठन हुआ था विधानसभा का, तो कुल 36 सीटें थी, पर बिलासपुर जुड़ने के बाद टोटल सीटें 41 होगी। अब 1956 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और केंद्र शासित प्रदेश बनाते ही कुल सीटें होगी 43, जिसमें से 41 का निर्वाचन होता था और 2 उपराज्यपाल मनोनीत करता था। और जो जब क्या नाम लेते जब यूटी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, तो बजरंग बहादुर पहले उपराज्यपाल बने, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, तो पहले उपराज्यपाल कौन बने थे केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, बजरंग बहादुर बने। अब 1900 क्या हुआ कि 1957 में विधानसभा को हटाकर यहाँ पे क्या कर दिया, क्षेत्रीय परिषद का गठन हो गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ मीन्स विधानसभा कैंसिल होगी, सारे जो कंट्रोल थे वो सेंटर के पास चले गए, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ तो 43 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, 41 के ऊपर इलेक्शन हुआ, 2 मनोनीत की गई, और जो पहले अध्यक्ष बने क्षेत्रीय परिषद के वो थे ठाकुर करम सिंह। 1963 में यानी कि जनता की मांग पर दोबारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन करने के बाद 1963 से पहले 1960 में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कैसे बना था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट चीनी तहसील प्लस रामपुर तहसील के 14 गांव को जोड़कर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था। 1963 में दोबारा से विधानसभा बन गई। 1968 में क्या हुआ कि 1968 में जो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, किसके लिए, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य दर्जा प्रस्ताव 1968 में विधानसभा में पारित हुआ। दिसंबर 1970 में इसे संसद में पारित किया गया, पूर्ण दर्जा का प्रस्ताव, ठीक है। 1971 में रिज मैदान पर 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य घोषित किया। और 1972 में क्या हुआ, 1972 में पहले कितने जिले थे, पहले बिलासपुर जब जुड़ा तो 5 हो गए। 1966 में क्या हुआ था, 65 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। तो यानी कि पहले गठन हुआ, 66 में पारित हुआ, 66 में क्या हुआ, कुछ क्षेत्र पंजाब के हिमाचल में जोड़ दिए गए, जैसे डलहौजी, लाहौल स्पीति, फिर कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, नालागढ़, ऊना, संतोषगढ़, ये क्षेत्र क्या थे, ये हिमाचल में जोड़ दिए गए। तो 66 में ये 4 कौन कौन से नए जिले जुड़े थे, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला। अब 72 में क्या हुआ, 72 में लाहौल स्पीति वैसे ही राज्य रहा, कुल्लू भी वैसे ही रहा, कांगड़ा को तोड़कर 3 राज्य बना, 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, 3 जिले बनाए गए, कौन कौन से, एक बनाया गया हमीरपुर, एक कांगड़ा खुद और तीसरा ऊना। और जो महासू और शिमला था उनका पुनर्गठन किया गया, और महासू और शिमला से एक शिमला जिला बनाया गया और दूसरा सोलन जिला बनाया गया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।